भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अवतार लेकर हम सभी को प्रेम करना सिखाया। फिर चाहे वो वात्सल्य प्रेम हो, माधुर्य प्रेम हो या फिर सखा प्रेम हो, श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति को केवल और केवल प्रेम से नवाजा है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी है ब्रज धाम, जहां उन्होंने अपनी अनेकों लीलाएं की, असुरों का नाश किया, गोप गोपिकाओं के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया और चारों धाम को इस स्थान पर विराजमान किया। ब्रज धाम की महिमा अपार है, क्योंकि इस नगरी को साक्षात श्री कृष्ण ने चुना दिव्य लीलाओं के लिए। 84 कोस में ये ब्रज धाम बसा हुआ है, जिसके चार प्रमुख स्थान हैं। ब्रज 84 कोस में चार गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसाना नंदगांव, इन चारों पावन स्थलों पर भगवान की मोहक छवि देखने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, नंदगांव में अपना बचपन जिया, वृंदावन में किशोर अवस्था की लीलाओं का स्वादन किया और श्री राधा रानी के गांव बरसाना में प्रेममयी लीलाओं का आनंद लिया। हर एक पावन स्थल पर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रस और भक्ति रस का स्वाद चख सकते हैं। पूरा ब्रज 84 कोस में है और भक्तजन उनका भाव जब बनता है तो लगता है कि हम देखें, हम दर्शन करें, हम अनुभव करें कि हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर कन्हैया रूप में कहां कहां क्या क्या लीलाएं करते रहे। तो समूचे ब्रज में 84 कोस में जहां जहां हमारे प्रभु की लीलाएं हुई होती हैं, वह वह स्थान आज भी रसिकों भक्तजनों की आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र, भाव का केंद्र बने हुए हैं और मन होता है उनका कि हम जाएं। तो इसीलिए ब्रज 84 परिक्रमा के रूप में कन्हैया की समस्त लीला स्थलियां, क्रीड़ा स्थलियां, दिव्य स्थलियों के दर्शन सुलभ हो पाते हैं। ब्रज में पहुंचकर हम भक्ति को अनुभव करते हैं। मंदिरों, तीर्थ स्थलों तथा लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं, साधु संग को प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान को श्रवण करते हैं और प्रेम को महसूस करते हैं। आप चैनल दिव्य के साथ आनंद ले रहे हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का, जिसमें आप दर्शन कर रहे हैं अनेकों लीला स्थलियों का। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको भगवान की सभी महत्वपूर्ण लीला स्थलियों का दर्शन करवाया जा सके। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा की ओर, जहां जगत के नाथ श्री कृष्ण ने इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए जन्म लिया। ऐसी नगरी के महात्माएं के बारे में तो कहना ही क्या, जिसको खुद भगवान ने चुना। श्री धाम मथुरा का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ इस प्रकार से किया गया है। सूर्योदय तमो नशेत यथा वज्र भ्यानगा, ताक्षर्य दृष्टवा यथा सर्पा मेधा वात हता ईद।
तत्व ज्ञानाद्य यथा दुखम सिंहम दृष्ट्वा यथा मृग तथा पापानी नश्यन्ति मथुरा दर्शनात् क्षणात्। मथुरा नगरी के दर्शन मात्र से ही नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही मथुरा एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है। आपको इस पावन भूमि पर भारतीय धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य, भक्ति तथा प्रेम देखने को मिलेगा। मथुरा धाम पृथ्वी पर धन्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौलोक से भूलोक में लीला करने के लिए यहीं पर प्रकट हुए। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये सात मोक्ष प्रदान करने वाली पुरियां हैं। किंतु इनमें से स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवत प्रेम प्रदान करने वाला स्थान है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा मथुरा नगरी प्रलय आदि विकारों से सुरक्षित रहती है। जो शास्त्र मानते हैं तो सच है, ये सारा जितना भी है परमार्थ शास्त्रों पर आधारित है। ब्रह्मा जी ने इसलिए परिक्रमा किया था, इससे उनका जो चोरी का पाप था वो नष्ट हुआ। भगवान सर्वसमर्थ है, जिसने अनंत संसार बनाया वो क्या नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल चुरा ले गए, अगणित ग्वाल बाल गाय उतना रूप भगवान ने बना दिया तो एक क्षण में, वैसे ही नहीं लठिया, वैसे ही उतने रूप, उतने बिछड़े बछड़े गाय, वैसे कपड़े सब ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए। सी निंदक अघोग नसाए, लोग विशोक बनाए बसाए। रामायण में लिखा है सीता जी के निंदा करने वालों का समुदाय था और उसके पाप को धाम में नष्ट किया और उनको शोक पाप रहित करके निवास दिया। जिस पाप को भगवान भी नहीं क्षमा कर सकते वो धाम नष्ट कर देता है। मथुरा को पहले मधुपुरी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसे मधु नामक देवते ने बसाया था। मधु असुर का विनाश भगवान श्री कृष्ण ने किया था। कालांतर में ये शूरसेन राज्य की राजधानी बनी और उसी वंशानुक्रम में उग्रसेन के अधिपत्य में आई। राजा उग्रसेन को कंस नामक क्रूर पुत्र हुआ। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं स्वेच्छा से मथुरा के सिंहासन पर राजा बनकर बैठ गया। उसने अपने अत्याचारों के चलते अपनी चचेरी बहन देवकी तथा उसके पति वसुदेव को एक आकाशवाणी के कारण जेल में बंद कर दिया, क्योंकि उस आकाशवाणी के अनुसार देवकी तथा वसुदेव का आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि भगवान को अवतरित होने से कोई नहीं रोक सकता और सभी के प्रिय श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से कारागृह में जन्म लिया और अद्भुत लीला के चलते रात में ही गोकुल पहुंचा दिए गए। फिर कुछ वर्ष वृंदावन में लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ मथुरा आए और अपने मामा कंस का वध कर ब्रजवासियों के कष्टों को दूर किया और अपने माता पिता तथा नाना उग्रसेन को कारागृह से मुक्त कराया तथा उन्हें पुनः सिंहासन पर बिठाया। ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है और भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की है, ब्रज तज अनतन जाऊं हो मेरे यह टेक। यानी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नित्य ब्रज में विद्यमान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का अनुभव करने के लिए
और दूसरी बात यह कि ब्रज में भगवान ने खुले चरणों से विहार किया है। ब्रज की जो रज है उसको सीधा संपर्क भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हुआ है, इसलिए ब्रज रज का सेवन करने के लिए हम विशेष रूप से ब्रज यात्रा करते हैं। और ब्रज का एक पौराणिक महत्व यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों का आवाहन यहाँ ब्रज में किया है, यानी केवल ब्रज की यात्रा करने से समग्र भारतवर्ष के 33 कोटि तीर्थों की यात्रा का फल हमें सहज ही में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हजारों की तादाद में प्रतिवर्ष लोग ब्रज यात्रा करते हैं। और हम पुष्टि मार्गीय वल्लभाचार्य के संप्रदाय के जो हैं, प्रतिवर्ष इस संप्रदाय से ब्रज यात्रा होती है, क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग का प्रागट्य स्थान ही ब्रज है। इस यात्रा में एक प्रकार का तप हम करते हैं और तप करते हुए भगवान का स्मरण करते करते भगवान की दिव्य लीला स्थलियों का अनुभव हमें करना है। केवल व्यवस्था के ऊपर हमारा ध्यान को हम कंसंट्रेट करेंगे, केंद्रित करेंगे, तो शायद इन कष्टों को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन है केवल व्यवस्था के ऊपर नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन ब्रज यात्रा और लीला स्थलियों पर रहता है, इसलिए किसी को कष्ट महसूस नहीं होता। बहुत ही आनंद से सारी यात्री ब्रज यात्रा कर रहे हैं। दूर दूर से मथुरा नगरी में आते हैं, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। उद्धव जी एक बार संशय करते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण ब्रज को इतना याद करते हैं, तो भगवान ने एक अद्भुत लीला की और उद्धव जी से कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, जो भी मेरा शुद्ध भगत है आप उसके चरणों की मिट्टी ले आएं, मैं जब उसको अपने सर पर लगाऊंगा तो मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उद्धव जी ने भगवान की रानियों से आग्रह किया कि वो अपने चरणों की मिट्टी दें, लेकिन सभी जानते थे कि भगवान कृष्ण तो परम हैं, कौन उन्हें अपने चरणों की मिट्टी देकर नर्क लोक में जाना चाहेगा। सबने एक एक कर मना कर दिया। फिर उद्धव जी ने ब्रज की ओर जाना ही ठीक समझा। जब वो वहां पहुंचे तो कुछ गोपियां उन्हें रास्ते में मिली और जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण को मदद की जरूरत है और उनके श्री कृष्ण सरदर्द से पीड़ित हैं, तो उन्होंने एकदम से अपने चरणों के नीचे से मिट्टी खोदकर ढेर लगा दिया। तो उद्धव जी ने कहा, क्या आप जानती हैं कि इसके बदले आपको नरक का द्वार देखना पड़ेगा। तो उन गोपियों ने कहा कि अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्द को खत्म करने के लिए अगर उन्हें लाखों जन्म भी नरक में बिताने पड़े तो उन्हें कोई संकोच नहीं। उद्धव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे और वो समझ गए कि क्यों भगवान कृष्ण ब्रज धाम और यहाँ के भक्तों से दूर होने की तड़प नहीं सह पाते। तो ऐसा है श्री कृष्ण का ब्रज धाम और उनके अनेकों लीला स्थल। आप जितना भी ब्रज में भ्रमण करें आपका मन कभी नहीं भरेगा, बल्कि आप और उत्सुक होते जाएंगे। ब्रज में आपको जगह जगह पर भगवान कृष्ण की लीला स्थलियां और अनेकों मंदिरों के दर्शन होते हैं। परमात्मा गोलोक धाम में बैठे थे श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से बोले कि मृत्युलोक में हम लोग चलें और मृत्युलोक में चलकर के लीला करें, लोगों को शिक्षित करें, धर्म के प्रति लोग आस्थावान हों। तो राधा रानी बोली, फिर कौन सी जगह चलोगे? तो कृष्ण बोले, जहां गाय सबसे ज्यादा होंगी उस स्थान पर हमें चलना है, क्योंकि गाय के रोम रोम में देवता निवास करते हैं, गौ माता के रोम रोम में देव वास करते हैं, इसलिए हम गोकुल में चलेंगे। तो गवाम कुलम गोकुलम, गायों का जहाँ समूह रहता है उसे गोकुल कहते हैं। तो राधा रानी बोली, मैं तो नहीं जाती। क्यों नहीं चलेंगी? बोली, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः।
जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना जी नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, वहाँ मैं नहीं जाती। क्योंकि गोवर्धन भी गोलोक धाम से आया है, वृंदावन भी गोलोक धाम से आया है, और यमुना तो कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई है। तो भगवान ने कहा गोवर्धन से, भाई तुम भी चलो। गोवर्धन बोले, मैं तो वहीं निवास करता हूँ जहाँ गऊ माता हो, और गाय सबसे ज़्यादा इस भूमि में थी, इसलिए अपने आने से पहले कृष्ण ने गोवर्धन को भेजा। और ये वृंदावन धाम जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये ब्रजमंडल की राजधानी है। वृंदावन को प्रभु ने गोलोक धाम से यहाँ भेजा, और अपने हृदय से भक्ति स्वरूपा माँ यमुना को निकाल करके कलिंद पर्वत से कहा कि तुम ब्रज में होती हुई जाओ। ये तीनों चीज यहाँ आ गई, तब भगवान का यहाँ प्राकट्य हुआ। तो इस स्थान को प्रभु ने इसलिए चुना कि यहाँ गौ माता सबसे ज्यादा थी, यमुना महारानी का पवित्र रूप यहाँ था, और भगवान का ही स्वरूप है गिरिराज, जो हरिदास ब्रज के नाम से जाने जाते हैं, वो ब्रज में ही वास करते हैं। इसलिए प्रभु ने इस भूमि को चुना कि यह भूमि सबसे पवित्र है। मथुरा नगरी में जप तप करने से श्री कृष्ण के भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यमुना जी कल कल कर बहती हैं और अर्ध चंद्राकार में बह रही हैं। यमुना जी के तट पर विश्राम घाट स्थित है, जो कि बिल्कुल मध्य में है और सबसे प्रमुख घाट है। इसके उत्तर में 12 घाट हैं और दक्षिण में भी 12 घाट हैं। कुल मिलाकर 24 घाट हैं, जो कि इस प्रकार हैं: गणेश घाट, सरस्वती घाट, दशाश्व मेघ घाट, चक्र घाट, कृष्ण गंगा घाट, गो घाट, ब्रह्मतीर्थ, घंटा भरण घाट, नाग घाट, वैकुंठ तीर्थ, स्वामी घाट, असी कुंड घाट, विश्राम घाट, नौका घाट, सती घाट, प्रयाग घाट, कनखल घाट, बंगली घाट, सूरज घाट, ध्रुव घाट, ऋषि तीर्थ, मोक्ष घाट, रावण कुटी घाट तथा बुद्ध घाट। यमुना जी सभी ब्रजवासियों को अपनी कृपा देने के लिए यहाँ पर स्थित हैं। यमुना देवी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय रानियों में कालिंदी नदी भी शामिल है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी किशोर अवस्था में कालिंदी के तट पर उनको आनंद प्रदान करने के लिए अनेकों लीलाएं की हैं। यमुना नदी यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री पर्वत से निकलकर ये नदी अनेक पहाड़ी दर्रों और घाटियों से निकलती है और प्रयाग में गंगा माँ से मिल जाती है। यमुना महारानी जमदूतों की यातना जो है वो टार देती हैं। यमुना स्नान का बड़ा ही महत्व है, यमुना जी का जलपान करने का बड़ा ही महत्व है। जब भी यमुना किनारे जाएं तो सबसे पहले यमुना जी को नमस्कार करें, फिर आचमन करें, शुद्धिकरण करने के बाद, नमस्कार करने के बाद यमुना जी में प्रवेश करें और स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर जो है आप कुछ दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था यमुना जी की है। यमुना जी प्रत्यक्ष हैं। हम लोग भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किए हों मान लो, लेकिन यमुना जी तो की हैं। जिस यमुना जी में भगवान कृष्ण स्नान करते थे वो यमुना प्रत्यक्ष है, इसलिए यमुना जी का महत्व सर्वोपरि है।
मथुरा में यमुना जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना सूर्य देव की बेटी और यम देव की बहन है। अपनी सौतेली माँ छाया से रुष्ट होकर यमदेव ने अपना अलग स्थान चुना था और यमुना उस समय भगवान कृष्ण के वैकुंठ में चली गई थी। लेकिन शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि यमदेव तथा यमुना देवी में बहुत ही प्रेम था और इनकी सौतेली माँ छाया ने यमदेव को श्राप दे दिया था। तब यमुना देवी ने अपने भाई की रक्षा के लिए इस धरती पर आकर तपस्या की थी। रक्षा बंधन तथा भाई दूज इन्हीं दोनों भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यमुना जी के घाटों पर सुसज्जित कदंब, तमाल, आम्र, बकुल आदि वृक्षों, विविध कुंजों में श्री कृष्ण, राधा रानी व गोपियों के संग विहार करते थे। प्रतिदिन यहां पर संध्या के समय में यमुना जी की आरती बहुत ही धूमधाम से की जाती है। लोग दूर दूर से इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं और यमुना मां तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ इस परिक्रमा ब्रज 84 कोस की में। अभी हम करेंगे दर्शन और भी बहुत से स्थलों के। ब्रजधाम प्रेम और भक्ति की नगरी है। इसका संतोष तो यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है। ऐसा ही आनंद और संतोष आप हमारे साथ महसूस करते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में। तो देखते रहिए हर रविवार चैनल दिव्या का यह विशेष कार्यक्रम परिक्रमा ब्रज 84 कोस की। ब्रज बहुत ही सुंदर है और कदम कदम पर श्री कृष्ण की लीला स्थलियां हैं, पर हमारी ये कोशिश है कि आपको ऐसे स्थानों के दर्शन जरूर करवाएं जहां किसी कारणवश आज भक्त नहीं पहुंच पाते। परिक्रमा ब्रज 84 कोस की सीरीज को इतना प्यार देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमें मैसेज कीजिए और दिव्या के व्यूअर्स चाहे देश और विदेश में कहीं भी हैं, किसी भी कारणवश वो हमारा ये एपिसोड नहीं देख पाए तो उसको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए परिक्रमा ब्रज 84 कोस की। जय श्री कृष्ण।